सब लेके आएंगे। आप एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होगी जो तमिल के रहने वाले हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो करीब 50,000 से ऊपर मत भी पा चुके हैं। आज ये जंतर मंतर आए हुए हैं प्रदेश EVM। मैं जानना चाहूँगा कि सर, आप EVM को लेकर क्या आप लोगों को धोखा है? जब मोदी जीतते हैं तो EVM, मोदी हारते हैं तो कोई EVM नहीं आती है। Very well planned. It is very well planned. That is not called electronic voting machine. That is electronic looting machine. After all, वो electronic machine है, electronic डोल है, जो डोल होते हैं तो जैसे प्रोग्राम करो ऐसा दबा करता ही दबाता है। ठीक है, इस तरह वो प्लानिंग क्या हुआ इलेक्शन के पहले? वो सारे मशीन कहाँ था? किसी के कब्जे में था ना? उन्हीं के कब्जे में था ना? और किस तरह का इलेक्शन कमीशन है ये जो चुनाव आयोग है? कैसे? बिल्कुल हरिश्चंद्र के पड़ोसी है क्या? एक नंबर का दिखाऊ है, एक नंबर का स्लेव है, एक नंबर का चोर है, क्योंकि हम अनुभव हो चुका है उनके साथ। हमारा गन्ना किसान सिंबल को 2 दिन पहले वो अलर्ट किया जा रहा है, वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा डिफ्यूज करके आंखों में दिखता नहीं, इस तरह दे रहा है। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम कैसे लड़े हम? कितना इंसानियत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर लोकतंत्र का हनन हो रहा है जहाँ इलेक्शन कमीशन के संदेह है, वहाँ आप धरना प्रदर्शन से काम नहीं बनेगा तो वोट ऐसा करना पड़ेगा। तुम बोले तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो अपराध है वो कौन देखे? कौन देखे इलेक्शन कमीशन का अपराध? वो इलेक्शन कमिश्नर रहे नहीं रहे, वो मोदी के पॉकेट में का कमिश्नर है, मोदी का स्लेव है। उसका 1000 सबूत है, जिसमें से एक सबूत आपको दे रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। हमने इलेक्शन लड़े 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी के साथ गठबंधन नहीं है, किसी के साथ नो अलायंस, अकेले लड़े, क्योंकि सारे चोर है, सारे बदमाश है, सारे एकदम लूटे 50 साल से तुम्हारे। हम एकदम जेन्युइन पार्टी हम लड़ रहे हैं, तो हमारा सिंबल दिखाई नहीं दिया, इस तरह दिया। किसका काम है? भाजपा सरकार का काम है। और तुम जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन सीधा है, तो ये जैसा मिलिटेंट रूल जैसा वो इंटरव्यू दे रहा है, इलेक्शन के 2 महीने पहले सुनील अरोड़ा कौन है वो इंटरव्यू दे रहा है, हम EVM मशीन में ही चुनाव चलाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछे तो अंदर उसको कौन दिया हक ऐसा डराने का? अगर कोई आके बाहर आके वोट डाल के एक वोट डाला दूसरे सिंबल पे गया, ये साबुत नहीं हुआ तो तुमको 10 साल अंदर करेंगे। लोगों को चेतावनी दे के डरा रहे अरे ये तुम्हारे हमने केस डाले, मैं खुद केस डाला हूँ, कमिंग 2 आ रहा है। मैंने बोला वो मैं EVM मशीन मेरे हाथ में दो, वो तो 20 लाख मशीन तो उधर इधर घूम रहा है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे हमारे इनके घर में अगर पकड़ा गया बस जिंदगी खत्म, इस तरह का रूल चल रहा है। मैंने केस डाला है EVM मशीन, आई एम अपेयरिंग इन द कोर्ट। मैंने ये प्रेयर रखा है EVM मशीन मेरे हाथ में दो, हम उसको बच्चा पैदा करके दिखाऊंगा, मैं जैसे बोलेगा वैसा वो करेंगे। तुम आदमी तो देव, ये मेरा विनती है, वो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे क्या करेंगे। सर लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था कि EVM हम रख रहे हैं, हाँ हमारे सामने है, हमारे सामने है, तुम आओ देखो और उसमें हाथ मत लगाओ, तुम चले जाओ। चूतिया कितना बड़ा अकलमंद कौन आएगा क्या है? अरे हमारा मैंने प्रेयर में ये रखा 7 दिन मिशन मेरे हाथ में दे दे, चले जा। तो कभी हो सके तो एक रिटायर्ड जज को साथ में रखो, एक स्क्रू ड्राइवर और एक सॉलिडर मेरे हाथ में दो, मैं जैसे बोला वैसे करके दिखा। ओके, चैनल नहीं समझ रहा हूँ, आप एक प्रेस का डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, आपका भी निभाना पड़ेगा, आपको भी सच्चाई को बाहर लाना पड़ेगा, आपको हमको साथ देना है। हमारे इंटरव्यू लेके सारे के सारे उधर मोदी के पैसे लेके उधर मोदी के
पैसे से भरे हुए सारे प्रेस का पैकेट, कैसे तमिलनाडु पूरा तमिलनाडु का मीडिया को ले चुके, नॉर्थ इंडिया भी ले चुके, जितना इधर आंदोलन हो रहा है वो उधर न्यूज़ ही नहीं आ रहा, न्यूज़ ही नहीं आ रहा, बस पी के सब मर रहे, वहाँ पानी नहीं तमिलनाडु में पीने की, मगर दारू का पानी बहुत बढ़ रहा, लोगों को सब दारू का बना दिया, दारू का अड्डा बना दिया पूरे तमिलनाडु में, थोड़ा यार गोली मार रहे बहुत शुक्रिया।